गाइस, स्क्रीन में ये जो नंबर दिख रहा है, चार फ्रैक्शन है, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो देखिए, आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएंगे। हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, पहले जो चार नंबर दिया गया है, इसका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जो है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है। हम पिछले वीडियो में जो ट्रिक बताया था, उसका डिफरेंस सेम था, इधर डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए, इधर ऊपर है 25, नीचे है 27, तो डिफरेंस कितना आ गया है? 2। इधर डिफरेंस कितना है? 3। इधर कितना है देखिए? 5। और इधर डिफरेंस है 4। तो जब भी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तब हमें ए वाला ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों का डिफरेंस सेम नहीं होगा, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला का डिफरेंस कितना है? 2। तो हम 25/2 ले लेंगे। इधर क्या करेंगे? 30/3। उसके बाद 39, मतलब ऊपर जितना है, न्यूमिरेटर जितना है, उसे हम फिक्स रख रहे हैं, और डिनोमिनेटर के जगह हम जो डिफरेंस है उसे प्लेस कर देते हैं, ओके? तो अभी कैलकुलेशन कीजिए, इसका अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिए। इसका कितना आ जाएगा? 12.5। इसका आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा? देखिए, 5 से 39 को डिवाइड कीजिए, 7 point something आ जाएगा। छोड़ दीजिए, जो फ्रैक्शन में आएगा पॉइंट के बाद उसे छोड़ दीजिए, उतना करने की ज़रूरत है नहीं। और ये कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड कीजिए 22 को, तो 5 point something आ जाएगा कुछ। तो अभी देखिए आप, ये जो हमारा डिजिट आ गया है 12.5, 10, 7 और 5, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 12.5, तो ए हो गया हमारा सबसे बड़ा। 25/27 ए सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 10 आता है। 10 आता है मतलब 30/33 आ जाएगा इसके बाद। ये ग्रेटर देन साइन हम यूज कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा है, इससे ये छोटा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? देखिए, 10 के बाद क्या आता है? 7। तो 39/44 आ जाएगा, 39/44। और उसके बाद आ जाएगा हमारा 22/26। आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए रिजल्ट यही आएगा, ठीक है? तो ऐसे मस्त ट्रिक सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स फॉर आईटीआई कैंडिडेट, इसके साथ जुड़े रही है। हम रेगुलरली आपको ऐसे एक मस्त ट्रिक प्रोवाइड करते रहेंगे, ओके? तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए मैथ करा रहे हैं, जल्दी हम रीजनिंग शुरू कर देंगे, ओके? आज का जो वीडियो है, एक रेलवे एनटीपीसी, वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एंड पुलिस, कोलकाता पुलिस, बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और रेगुलरली देखिए, तो आपको समझने में आसानी होगा, ओके? तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है। ए सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 years। व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन में एक टर्म कहा गया है जिसके बारे में हम पहले बात नहीं किया है। कहा गया है अमाउंट्स। अमाउंट्स मतलब क्या होता है? टोटल जो हमारा जितना रुपया हम जमा करते हैं, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसे एक साथ कहा जाता है अमाउंट्स। जो लोग बेंगली व्यूअर्स है हमारा, उसके लिए हम बता देते हैं, बेंगली व्यूअर्स, अमाउंट कथार अर्थ होता है सूद असल, ओके? तो चलिए हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या कहा गया है कि फोर साल में, इन 4 years वो 720 हो रहा है टोटल अमाउंट। तो इंटरेस्ट रेट अगर 2% इंक्रीज किया जाता है तो कितना अमाउंट बनता है 4 years के बाद, ये हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए सिंपल सी, कि 2% इंटरेस्ट से हमारा कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये हम निकाल लेंगे। देखिए, आई मतलब इंटरेस्ट, कितना कितना आ जाएगा? देखिए, हमारा प्रिंसिपल टोटल था 600, पी आर, आर का वैल्यू कहा गया है 2%, क्योंकि हम सिर्फ इंक्रीज वाला पोर्शन निकालना चाहते हैं, और टी कहा गया है 4 years, बाय 100 कर दीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया देखिए, 12 4 48। तो ₹48 हमारा ज़्यादा हो जाता,
तो देखिए 48 रुपये ज़्यादा होने से हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाता, अमाउंट पहले कितना था, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो पहले कितना था 720, और 2% ज़्यादा होता तो हमारा 48 रुपये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता। तो इसके साथ हम 48 को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 768 रुपया, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, द अमाउंट विल बिकम ₹2000 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हो जाएंगे, लेकिन हम कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से ही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है कि जो हम इन्वेस्ट किया है उसके साथ इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है 10 साल के बाद। तो 10 साल में, पहले वाला 10 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है ये हम पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले वाला 10 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई फॉर इंटरेस्ट, हमारा प्रिंसिपल कितना था 1000, पी आर है हमारा इंटरेस्ट रेट 5%, और टाइम हम पहले 10 साल के लिए निकाल रहे हैं, और ठीक है बाय 100, तो क्या आ रहा है, देखिए 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 500 आ गया है। देखिए तो पहले 10 साल में हमें ₹500 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कहा गया है क्वेश्चन में देखिए कि पहले 10 साल के बाद ये इंटरेस्ट शाम के साथ, मतलब हमारा प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो 10 साल के बाद हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, टोटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहा किसे कहा जाता है, जिसका जिस अमाउंट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखिए 1000 प्लस 500, तो 1500 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, इधर हम मार्क कर देते हैं आफ्टर टेन ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स के बाद हमारा जो इंटरेस्ट था 500 वो ऐड कर दिया गया है प्रिंसिपल के साथ। तो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कितने रुपये के लिए होगा, 1500 के लिए। तो 1500 रुपये के लिए देखिए हमारा और कितना इंटरेस्ट चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि टोटल अमाउंट होगा 2000, मतलब 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और अमाउंट था 2000, अमाउंट कितना था, मतलब अमाउंट कितना होना चाहिए 2000, हमारा प्रिंसिपल था ऑलरेडी 1000, तो हमारा इंटरेस्ट कितना ज़रूरत है, इंटरेस्ट 2000 हमें चाहिए, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो हमें और 1000 रुपये चाहिए, 1000, तो 1000 आ जाएगा, ये इंटरेस्ट हमें चाहिए 1000, तो 1000 इंटरेस्ट से ₹500 इंटरेस्ट हमें पहले वाला 10 साल में ऑलरेडी मिल चुका है, तो अभी और कितना चाहिए, ₹500 है ना, क्योंकि हमारा टोटल प्रिंसिपल ही है अभी 1500, तो अभी हमें और इंटरेस्ट चाहिए 500। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, हम इधर और एक बार मार्क कर देते हैं इंटरेस्ट, ऑलरेडी 1000 रुपये मिल चुका है, सॉरी ऑलरेडी 500 रुपये मिल चुका है, तो 1000 माइनस 500 कर देते हैं हम, टोटल हमें 1000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, उनमें से 500 मिल चुका है, तो बाकी और कितना चाहिए 500। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट के जगह हम 500 प्लेस कर देते हैं, हमारा प्रिंसिपल अभी हो गया है पी का वैल्यू 1500, इंटरेस्ट रेट कहा गया है 5%, और टी का वैल्यू हमें निकालना है बाय 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, इधर 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 5 से इधर कैंसिल कीजिए, ए आ जाएगा 3 और ए आ जाएगा 20। तो देखिए 3t इक्वल टू 20, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 20/3, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 6 2/3 आ जाएगा, वो दिखाई नहीं दिया, देखिए ऊपर ऊपर कर देते हैं हम,
देखिए टोटल टी का वैल्यू हमारा आ गया है 6 2/3। ओके, तो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, पहले हमारा था टाइम 10 साल और उसके बाद हमारा जरूरत पड़ा 6 2/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 2/3 ईयर्स। ओके, आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम जरूर निकाल देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट वीडियो है हमारा, अगले दिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक हमारा चैनल के वीडियो देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स फॉर ITI कैंडिडेट, इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल में हम रेगुलरली ITI सिलेबस के अनुसार वीडियो डालते रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना।